नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम। तो जयंत प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए एसएससी सीपीओ 2023 की रीजनिंग का अपन प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखिए, सीपीओ 2023 सबसे लेटेस्ट है, तो अपन जो रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं, किसका रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आज अपन करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2023 के तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन को, ठीक है। 4 से लेकर 6 बजे तक के शिफ्ट का, तो आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 25 तक, ठीक है। फिर अगले वीडियो में आपका आएगा 26 से लेकर 50 तक, क्योंकि आपको पता ही होगा यदि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो एक शिफ्ट को अपन 2 वीडियो में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। पहले में 125, दूसरे में 26 से 50। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। ए रहा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिए। एक टारगेट और, आपके 25 में से कितने राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, तो वो कमेंट करके बताएं। लेकिन 23 से कम आपका आंसर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए 23+ ही आपके सही होने चाहिए। तो 6 विद्यार्थी हैं, ठीक है। दयाल, शारदा, तृप्ति, सृष्टि और मंजू एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं जल्दी से बताइए, 6 व्यक्ति। तो अपन 2 वृत्त बनाते हैं और 6 व्यक्तियों को बिठाने की अपन जगह बना देते हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति लीजिए। क्यों अपन ने 6 दो डायग्राम बनाए, क्योंकि अपन को जरूरी है अल्टरनेट, क्योंकि यदि 1 सही हो जाएगा तो 2 कंडीशन लेके चलना है, ठीक है, ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। फिर पढ़िए क्वेश्चन को। श्री दयाल और तृप्ति दोनों के ठीक बगल में, आपको मैंने, यदि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो बार बार बता दिए, बगल मतलब क्या होता है, बीच। तो मतलब श्री जो है वह किस किस के, दयाल और दृष्टि से, ठीक है, दयाल और तृप्ति, ठीक है। श्री किस किस के बीच में है, दयाल, तो यहाँ पर आप तृप्ति कर लेंगे और यहाँ पर अपन दयाल बिठा देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। फिर आगे पढ़िएगा, यहाँ तो मंजू दयाल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे, दयाल के दाईं ओर, तो दयाल ए रात, इसका राइट ए हो जाता है, यहाँ पर तो बैठ ही नहीं सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत। दयाल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, मंजू, तो यहाँ पर अपन मंजू बिठा देंगे, ठीक है। और सृष्टि जो है मंजू तृप्ति दोनों के ठीक बगल में, मंजू और तृप्ति के जो बगल में, यानी बगल यानी बीच में कौन है, सृष्टि, तो यहाँ पर अपन सृष्टि बिठा देंगे, ठीक है। तो जो बच गया वो यहाँ पर होगा, तो बचा कौन है, शारदा, तो शारदा को अपन यहाँ पर बैठा देंगे। अपना ए आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम बन चुका है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से आंसर दें। क्वेश्चन क्या है, शारदा के ठीक बगल में कौन है, तो शारदा के बगल में मंजू है और दयाल है। तो ऑप्शन में केवल आपको दयाल दिख रहा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंजू ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, समझ गया बात को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। एक अर्थ प्लस है, तो अपन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अर्थ क्या है, प्लस है, और बी का अर्थ क्या है, गुणा है। बी का जो अर्थ भाई क्या है, गुणा है, और सी का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, सी का अर्थ माइनस है, और डी का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है। कुछ भी नहीं, जहाँ ए लिखा हो वहाँ आपको प्लस कर देना, जहाँ बी लिखा हो वहाँ गुणा, जहाँ माइनस है मतलब सी है तो वहाँ माइनस, जहाँ डी लिखो वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना। सबसे पहले आते हैं 16, तो 16 जैसे ही लिखेंगे फिर आपको बी दिख रहा है, बी मतलब गुणा, तो गुणा करेंगे 5, फिर ए, ए मतलब प्लस, फिर आपका 112, और डी मतलब क्या है, भाग, तो मतलब 8 कर देंगे। उसके बाद सी मतलब है माइनस, तो माइनस 32 कर देंगे, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भाग होगा, यहाँ गुणा, 16 × 5 कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो 8 × 1 = 8, बचा कितना, 3, तो 8 × 4 क्या होता है, 32, माइनस 32, ठीक है, 8 × 32 सही है, इसको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 94 में से 32 घटाइए और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 4 में से 2, और 3 में से जब 9 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, यानी 62, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते, मतलब 50 नंबर के दिए आ रहे तो 50 में से 50 चाहिए, 49 भी आपके आ रहा है तो आप बहुत पीछे हो रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग में, क्योंकि आपको पूरे नंबर चाहिए। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, जीके में कभी आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते। चलिए, एक निश्चय कूट भाषा में एक्शन को इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है, डेबिट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो चेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए, एक्शन, तो यहाँ पर आपको ए, फिर क्या है सी, फिर क्या है टी, फिर क्या है आई, फिर ओ एन, ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, टी एक्स ए एन एल और यहाँ पर आई, तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ क्या दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए, कॉमन अंक दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ से इस प्रकार, ठीक है, इसको इस प्रकार, इस प्रकार, लेकिन इसको इसके अपोजिट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि सी के अपोजिट क्या होता है, तो 24, यानी आपको समझ में आ गया, मतलब इसके अपोजिट ए है, ए कैसे, जल्दी से बताइए, अपोजिट है, ठीक है।
तो अगला क्या है डेबिट, डी तो डी बनाएंगे, फिर ई बनाएंगे, ठीक है, फिर बी आपका आ जाएगा, फिर बी के बाद ए, फिर है टी और फिर है ई। तो देखिए यहाँ पर क्या है बी, फिर है भी, फिर है आपका डी, फिर क्या है ई, फिर है जी और फिर आपको क्या ए। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ये क्या है अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने पर 27 बनता है, इसको भी जोड़ने पर 27 बनता है, इसको भी जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, मतलब अपोजिट नंबर पर हैं। तो अपन चेंज को देखिए, सी एच ए एन चेंज मतलब जी ई, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ए जो आपका सी यहाँ पर आ जाएगा, ई आपका आ जाएगा यहाँ पर और एन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए सी चाहिए अपन को, देखिए ये कितने करने की ज़रूरत नहीं थी, तीनों आंसर यानी केवल ए सी से अपना आंसर आ, तो कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन यदि आपको निकालना है तो हर ए सी यहाँ पर आ जाएगा एस, ठीक है, क्योंकि एच के अपोजिट ए होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं अपोजिट, और जी के अपोजिट जी टी रोड, तो ये क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4, इतने करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने बता दी कि ए सी से ही अपना आंसर, क्योंकि ए सी केवल इसी ऑप्शन दिख रहा और कहीं भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, तो अच्छे से एक बार पढ़िए, कथन क्या दिया हुआ है, सभी मैदान पहाड़ हैं, ठीक है, सभी मैदान कैसे हैं बताइए, पहाड़ हैं। फिर बोला जाए कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, समुद्र पहाड़ नहीं है, और कुछ घाटियां समुद्र हैं, कुछ जो घाटियां हैं वह कैसे हैं जल्दी से बताइए, पहाड़ हैं, ठीक है, घाटियां। फिर एक डायग्राम इसका और बन सकता है कैसे, कि क्या बोला सभी मैदान पहाड़ हैं, ठीक है, सभी मैदान क्या है जल्दी से बताइएगा, पहाड़ हैं, ठीक है, कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, कोई समुद्र क्या नहीं जल्दी से बताइए, पहाड़ नहीं है, लेकिन कुछ घाटियां समुद्र, तो कुछ घाटियां यहां से डायग्राम इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है, ये आपकी घाटियाँ बना दी, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, इस प्रकार का भी डायग्राम अपन बना सकते हैं। तो देखिए निष्कर्ष कितने हैं, 3, तो आपको पता है जब दो डायग्राम बनाते हैं तो अपन को दोनों में चेक करना होता है, क्या करना होता है, दोनों डायग्रामों में चेक करना होता है, दोनों में राइट होना चाहिए तभी वो राइट माना जाता है। देखिए कुछ घाटियाँ मैदान हैं, घाटियाँ ए रही, मैदान ए रही, कुछ घाटियाँ मैदान है नहीं है तो गलत, लेकिन घाटियाँ मैदान यहाँ पर देखिए कुछ हैं, मतलब यहाँ पर सही, लेकिन क्या माना जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा, क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों में राइट होना चाहिए तभी वो राइट माना जाता है। कोई घाटी पहाड़ नहीं है, कोई घाटी पहाड़ नहीं है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, लेकिन घाटियाँ ए रही और पहाड़ है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोई घाटियाँ पहाड़, यहाँ पर कुछ घाटियाँ पहाड़ हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला पढ़िए, तो मतलब ए भी गलत माना जाएगा, कोई समुद्र मैदान नहीं है, समुद्र ए रहा, मैदान ए रहा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और कोई समुद्र मैदान नहीं, तो मैदान ए रहा, समुद्र ए रहा, क्या है सही, यानी ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट, तो ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, सिल्ली मिस्टेक यहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो रहा है, तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ठीक है, लेकिन ए हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है निष्कर्ष 1 और 2 का पालन करता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक। इस प्रकार की मिस्टेक अपन को नहीं करनी है, वो भी आपको बताता चलता हूँ कि इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है। उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जो पहला शब्द दूसरे से, ठीक है, और पांचवा शब्द छठवें से संबंधित है, मतलब 5 को कितना बनाया जा रहा है, 24 बनाया जा रहा है, और 4 को कितना बनाया जा रहा है, 15 बनाया जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं और 143, ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, कैसे जी, यदि अपन 5 का वर्ग करें तो कितना होता है, जल्दी 25 और 1 माइनस कर दें तो आपका 24 बनता है। इसी प्रकार से यदि अपन 4 का वर्ग करें तो कितना होता है, 16 और 1 माइनस कर दें तो 15 बनता है, बनता कि नहीं, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर यदि 144 होता है 1 माइनस करते तो आपका 143 आ रहा है। 144 किसका वर्ग होता है वो आपको पता होना चाहिए, किसका होता है, 12 का वर्ग, इन ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, आपसे बार बार मैं बोलता चलता हूँ ताकि मैं स्पीड में आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, वीडियो क्या हो आपका थोड़ा छोटा बने, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपन नहीं बनाने की सोचता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझाता हूँ थोड़ा लॉन्ग हो ही जाता है। तो दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है, तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव है, तो सबसे पहला काम आपको अपोजिट निकालना है, तो 15 का अपोजिट अपन ने निकाल लिया, क्या होगा 19, क्योंकि एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 16 के अपोजिट क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट यानी 20 के अपोजिट क्या हो जाएगा 18, ठीक। सबसे पहले अपन ने विपरीत निकाल लिया कि ये क्या जल्द से बताइए विपरीत है, ठीक है,
अब अपन को एक कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है, कि जो विपरीत अक्षर रहते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते। तो इसमें देखिए क्या एक साथ दिख रहा है आपको, 20-18, देखिए यहाँ पर 20-18 दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। इसमें क्या दिख रहा है आपको, 16-17 एक साथ दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, ये तो अपना राइट आंसर है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, 18 और 15-19, ठीक है, इसमें आपको जो दिख रहा था वो 15-19 दिख रहा है, समझ गए बात को, इसलिए आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दिए। एक नीचे कूट महासा में, ठीक है, GBT ये को 24 क्रू में कूटबद्ध किया जाता है, WZWQBI को 30 क्रू में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट महासा में, ठीक है, DLUCPR को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसको जोड़ेंगे, मतलब जी होता है 7 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, टी होता है आपका 20 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर, इसको जैसे अपन ऐड करेंगे तो 7, 2, 9, 10 का शून्य कैरी आ जाएगी, 1 और 2, 30। फिर क्या करेंगे बच्चे, इसके में से 6 घटाएंगे और अपना 24 आ रहा है, ठीक है। चलिए आप इसको भी तो चेक करना पर, देखिए आपको जेड होता है 26 नंबर पर, डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर, यदि इन्हीं को जोड़ेंगे तो ये आपका 30 से ऊपर हो रहा है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए, पुनम्मा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि दो ही अक्षर को जोड़ रहे हैं तो आपका कितना बार है, 40 और 9, 49 हो रहा है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 30, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। यह मेथड बिल्कुल भी नहीं लग सकता, तो इसका क्या मेथड अपन लगा सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। देखिए इसका जो आपका तरीका है, देखिए 1, 2, 3, देखिए GBTA तो कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, कितने हैं टोटल 4, यदि 6 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर देखिए ZWQBI कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, यदि 5 में अपन 6 का गुणा कर दें तो अपना 30 आ रहा, बिल्कुल सही फिट बैठा कि नहीं बैठा, हाँ बैठा। तो इसमें देखिए क्या है, DLUCPR कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो आपको पता है 6 में 6 के जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा, 36 यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए लॉजिक लग रहा था, आपको समझना चाहिए क्या करते कुछ बच्चे, इसको पूरा लिखते फिर क्या करते, इसको देखिए क्यू 17 पर होता है, बी 22 पर होता है, एक इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ने की यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत थी, तो ये सीरीज तो लग ही नहीं रही, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप क्या करना, वीडियो को रोके पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो 8वां क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर डॉलर का अर्थ देखेंगे, सबसे पहले तो डॉलर का अर्थ है PQ की पुत्री है, तो मतलब G की पुत्री कौन बन जाएगी, जल्दी से बताइएगा, D बन जाएगी, ठीक है, D क्या है, पुत्री है। फिर आगे पढ़िए, यहाँ पर क्या, स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, PQ की बहन है, तो पीछे वाले की बहन हो जाएगी, ठीक है, मतलब A जो हो जाएगी U की क्या हो जाएगी, बहन बन जाएगी। फिर यह है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क PQ का पुत्र है, मतलब इसका जो पुत्र होगा वो कौन होगा, U होगा, ठीक है, किसका पुत्र होगा, एफ का, ये क्या है, पुत्र है कि पुत्री, क्वेश्चन हाँ पुत्र है। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए जी का एफ से क्या संबंध है, जी का एफ से जिससे हो तिससे, आप पता, ये पुत्र, ये क्या है, इसकी बहन यानी पुत्री, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, देखिए जितने भी अभी तक अपन ने क्वेश्चन किए उस विकल्प आकृति चयन करिए जिसमें उसके भाग के रूप में दी गई आकृति क्या हो, सन्निहित हो, सन्निहित यानी समाहित हो, ठीक है, क्या हो, समाहित हो, और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपने पूछे हैं, ठीक है, अपन ने कितने शिफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं, देखिए 3 बो और 1 बो, मतलब 4 शिफ्ट अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है, 4 थोड़ी आखिरी शिफ्ट है, मतलब 5 शिफ्ट अपन ने कंप्लीट कर ली है, 5 शिफ्ट में जब भी क्वेश्चन पूछे गए तो घुमाने की अनुमति नहीं है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए वाली आकृति कहाँ बनी हुई है आपको वो चेक करना, केवल आंखों को खेल और कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे आप इसको देखते हैं तो सबसे पहले ए वाली देखिए ये, फिर आप यहाँ से आई कि नहीं, फिर यहाँ से ये थोड़ी सी ऊपर चली गई, बन रही नहीं बन रही,
ये वाली बताइए बनी कि नहीं, नहीं बन रही तो इसका कहाँ पर होगा जल्दी से बताइएगा। इसको आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार बोलता हूँ ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से बन जाएगी क्या, देखिए इधर से, इधर से ए, फिर ऐसे आए, फिर ए ऐसे चली गई और ए नीचे की ओर है। हाँ बिल्कुल राइट, तो यही आपकी सन्निधि थी ठीक है। इस प्रकार से आपको केवल ओनली ओनली आँखों का खेल है। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में उस सही क्रम को दर्शाता है जो जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, जल्दी से बताइएगा ठीक है। तो देखिए पीप यहाँ पर आपको देखना, देखिए ये तो एक दो तीन चार नंबर लिखे हुए, यहाँ पर देखना देखिए तीन चार पाँच और चार, तो आपको चेक करना है तीन में, चार में और पाँच में, एक में चेक नहीं करना और अपन को चेक नहीं करना है तीन चार पाँच दो में चेक, इन तीनों में चेक करना है। तो देखिए पी यू आर पी यू आर पी यू आर मतलब समान दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर क्या है आई, जी होता है सात नंबर पर और आई होता है मतलब नौ नंबर, तो पाँच तो पहले नहीं आएगा ठीक है, पाँच पहले नहीं आएगा तो वो तो अपन काट देंगे। अब इन दो में देखिए तो यहाँ है देखिए पी यू आर जी, पी यू आर जी कम समान दिख रहा है, तो यहाँ ई है यहाँ ये, तो पहले क्या आएगा चार नंबर आएगा, तो मतलब तीन नंबर ये भी नहीं आ सकता। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि चार चार, फिर आपको चेक करना है देखिए यहाँ पर कितना है तीन और यहाँ पर कितना है पाँच, केवल तीन और पाँच में चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो पाँच में देखिए क्या लिखा पी यू आर पी यू आर, फिर यहाँ पर जी यहाँ पर आर, तो अपन को पता है कि ये नौ पर होता है और ये सात पर, तो पहले क्या आएगा तीन नंबर, तो ये आपका राइट आंसर, ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, कितने सेकेंडों में आंसर आया ठीक है। इस प्रकार से अपन को टाइम बचाना है, जो जिसने टाइम बचा लिया उसका सिलेक्शन हो गया समझो। एक अर्थ माइनस है ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख देते एक अर्थ क्या है माइनस है, और हाँ सॉरी प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, माइनस का जो अर्थ है भाई गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ क्या जल्दी से बताइएगा भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है, भाग का जो अर्थ भाई क्या है जल्दी से बताइए प्लस है। तो ये आपको क्या करना है इनको चेंज कर देना है ठीक है, पूरे अक्षरों को एक दूसरे से आपको मिला के चेंज करना है, इन्हें बदलना है। तो सबसे पहले तेरह से लिखा, तेरह से लिखा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको भाग, तो भाग का यहाँ मतलब देखेंगे प्लस है, मतलब प्लस करेंगे और बारह लिख देंगे। फिर यहाँ क्या माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा करेंगे पैंसठ हैं, माइनस का अर्थ गुणा ही तो है, चलिए सही है। फिर पढ़ जाएंगे यहाँ पर क्या है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर भाग करेंगे कितना लिख देंगे तेरह, और प्लस का अर्थ क्या है प्लस का अर्थ ये नहीं था, ये प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और सैंतालीस लिख देंगे ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा भाग, तो यहाँ पर तिरासी प्लस बारह और तेरह पन्ना क्या होता है पैंसठ माइनस सैंतालीस, इसका होगा क्या गुणा, तो मतलब तेरासी प्लस कितना हो जाएगा बारह पंचे साठ और ये आपका सैंतालीस, इसको जोड़ देंगे ठीक है। तो तीन आठ छः चौदह कैरी कितनी आ जाएगी सैंतालीस, तो देखिए अब इसको घटाना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यदि एक सौ मतलब सैंतालीस में तैंतालीस घटे तो चार बचेगा, तो सौ में से चार घटेगा तो कितना बचेगा छियानवे, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, पेपर कटिंग का क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाता है, तो कागज की इस तरह खुलने वाला दिखाई देता है, किस तरह खुलेगा। देखिए ये पूरा आपका ये पेपर था, फिर उन्होंने यहाँ से कट किया और इस साइड की ओर मोड़ दिया ठीक है, फिर इतना जब आपका पेपर बचा तो उन्होंने यहाँ से कट किया और इस साइड की ओर क्या कर दिया मोड़ दिया, फिर आपको यहाँ पर एक कट लगाए, तो आपको पता है कि त्रिभुज जो आप जैसे ही आप खोलेंगे त्रिभुज यहाँ पर आएगा और वृत्त यहाँ पर आएगा ठीक है। तो इसमें देखेंगे त्रिभुज कैसा उल्टा है ठीक है, ए बन सकता है और ए भी बन सकता है, ए इसमें यहाँ क्या होगा देख लीजिएगा वृत्त नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत, ये दोनों अपन ने गलत कर दिए इतने से। फिर आते हैं इसकी ओर, तो यहाँ भी क्या है देख लीजिए यहाँ भी उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल आपका राइट आंसर था। सिंपल सा इतने से अपना आंसर आ रहा है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यदि होती ज़रूरत तो अपन करते, समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस समूचे इस नोट को पढ़ना आपके लिए जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे विभाजित किए बिना ठीक है, यहाँ पर भाग नहीं देना है, तो संख्याओं गणती की जानी, जैसे तेरह को तोड़ना मोड़ना ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं ठीक है, इस पूरे को आपको पढ़ना जरूरी रहता है, तो आप पढ़ लीजिएगा ठीक है। क्या करना है वीडियो को रोक के आपको पढ़ के जरूर चेक करना है। देखिए एक है और यहाँ पर कितना है सोलह और यहाँ पर कितना है तीन, यहाँ पर कितना है इक्कीस, फिर कितना है पाँच सौ उनतीस और दो है ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन मार्ग में इनको चेक करना है कि एक दो तीन चार में से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा एक प्लस तीन कितना होता है चार,
यदि 4 का वर्ग कर दें तो आपका 16 बन रहा है। ठीक, इसी प्रकार से 21 प्लस 3 यदि अपन करें कितना होता है 23, और यदि अपन 23 का वर्ग कर दें तो आपका 529 होता है। इसी प्रकार से ये अपना राइट आंसर, यानी 8 प्लस 2 कितना होता है 10, और यदि 10 का वर्ग कर दें तो क्या आता है 100, जो कि आपका ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लॉजिक आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उससे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति के चयन के लिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करेगी, प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए यदि यहाँ से गौर करें तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर देखिए वृत्त कितना है 1, और यहाँ पर कितने हो गए 2, यहाँ पर कितने हो गए 3, यहाँ पर कितने हो गए 4, तो मतलब आप कितने चाहिए 5, लेकिन देखिए यहाँ पर 4 क्या थे, ठीक है, स्टार थे, यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 भी नहीं बचेगा। ठीक, और लेकिन ये वाली संख्या बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा गलत, लेकिन आपको पता है, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 4 हैं लेकिन यहाँ वृत्त कम है, तो ये भी गलत है, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि 3 2 5 बिल्कुल सही और 1 2 3 4 ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां, जल्दी से सॉल्व करिए। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी किसी वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति। सबसे पहले अपन जगह बनाएंगे 7 व्यक्ति को बिठाने की, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है, सबके मुँह आपको पता है कहाँ पर है, केंद्र की ओर है, तो सी ई और एफ के ठीक बगल में, सी जो है किस किस के, ई और एफ के बगल में, सी ई और एफ, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ, क्योंकि अपन दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ई है, ठीक है, सी ई और एफ दोनों के ठीक बीच में है, यानी बगल में है, यानी बीच में है। ठीक है, तो आगे पढ़िए, डी जो है सी के बाएँ और तीसरे स्थान पर है, सी के बाएँ और तीसरे स्थान पर, सी एरा बाएँ 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी, सी एरा 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी। ठीक है, अभी तक तो सही है, और ए के दाईं और ठीक बगल में है, ए के ठीक दाईं ओर है ये बैठा हुआ, इसका मतलब ये है ए के ठीक दाईं ओर है, कौन, ए के दाईं ओर का मतलब होता है पहला, यानी डी, तो ए के दाईं ओर, ए को यहाँ बैठा रहे हैं तो ए इसका दाईं ओर हो जाएगा, ए को यहाँ बैठा रहे हैं तो ए इसका दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, इतनी बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आई होगी। हाँ, हाँ, चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, इतना आपको बन जाएगा, ये जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, किसके दाईं ओर, ई के दाईं ओर, यदि मान लीजिए ई को यहाँ बैठा रहे हैं तो यहाँ तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि इसके दाईं ओर दूसरा, और तो और यदि ई को यहाँ बैठा है तो ई के बाईं ओर है, तो ये क्या हो जाएगा गलत, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ए, मतलब ए आपका सही है। अब आगे पढ़िए, बी जो है ई और ए दोनों के ठीक बगल में है, किस किसके, ए और ई के बगल में, यानी बीच में कौन आ जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, और एफ के बाईं ओर, जी जो है एफ के बाईं और ठीक बगल में है, एफ के बाईं, तो एफ ए रहा है इसके बाईं ओर, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जी बन जाएगा। ठीक है, ये अपना बैठ चुका है, आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्या है, सी और जी दोनों के ठीक बगल में है, सी और जी, सी जी ए रहा तो बगल में, यानी बीच में कौन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, एफ बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन पढ़िए एक बार, सभी बच्चे छोटे हैं, ठीक है, सभी बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं, और कुछ मजाकिया बच्चे हैं, कुछ मजाकिया बच्चे हैं, ठीक है, मजाकिया। चलिएगा अब निष्कर्ष पढ़िए एक बार, डायग्राम बन चुका, एक ही डायग्राम बनाएंगे, दूसरे बनाएंगे इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ मजाकिया छोटे हैं, मजाकिया ए रहे छोटे रहे, तो कुछ मजाकिया छोटे, हाँ बिल्कुल सही है, और कुछ छोटे बच्चे हैं, छोटे रहे बच्चे, तो आपको पता है यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, यानी ये भी सही, तो एक और दो अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष आपके 3 में लिखा हुआ कि निष्कर्ष 1 2 दोनों पालन करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दिए, एक भाषा में, ठीक है, हॉस्टल को इस प्रकार लिखा जाए तो, ब्राइट को इस प्रकार लिखा जाए तो, टनल को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता, आप देखिए क्या है, एस यू एस टी एल ई, यहाँ पर क्या, एस एफ एच ई ओ टी, तो देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ई फर्स्ट यूनिट और लव,
यानी एक दूसरे के कैसे हैं जल्दी से बताइए, ये अपोजिट हैं, कैसे हैं अपोजिट हैं, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि चेक करना है तो आप टाइम ही खराब करेंगे, ठीक है। तो अपन टनल में देख लेते, टी यू डबल एन फिर क्या है ई एल, तो एन यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और इसकी फर्स्ट यूनिट देखिए यहाँ से देख सकते मतलब एफ, तो इतने से आंसर आ रहा है क्या, एन एफ टी एन एफ टी एन एफ टी एन एफ टी, केवल इसी में और किसी में भी नहीं, यदि आपको फिर भी करना है तो एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और एन यहाँ आ जाएगा, तो ये लव सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए आपको इतने ए पीछे के अक्षर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ए इसका अपोजिट होते होते कि नहीं होते, ठीक है, और ए इसके अपोजिट होता है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में नहीं था, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से तीन अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार संगत हैं, एक कैसा असंगत है, तो असंगत अक्षर का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए डी आपको पता है 4 नंबर पर होता है, बाय पता है कितने पर होता है, 25 पर ई होता है 21 नंबर पर, और आर होता है आपका 18 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है जल्दी से बताइएगा, 4 और 1 5 माइनस हुआ है, यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 4 माइनस, यहाँ पर कितना 3 माइनस हुआ, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्यू क्यू आपको पता है 17 नंबर पर होता है, एल पता है 12 नंबर पर होता है, ठीक है, और एच पता है 8 नंबर पर होता है, और ई पता है आपको 5 नंबर पर होता है, यहाँ पर कितना माइनस हुआ, 5 माइनस हुआ, यहाँ पर कितना माइनस हुआ, 4 माइनस, यहाँ पर कितना माइनस, 3 माइनस। देखिए अब इसको चेक नहीं करेंगे, क्यों चेक, क्योंकि अपन को पता है कि इसका आंसर है, तो डायरेक्ट इसी को चेक करके मैं बता दे, डब्ल्यू आपको 23 नंबर पर होता है, ठीक है, ये 4 नंबर पर होता है, एक्स होता है 24 पर, सी होता है आपका 3 नंबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है बताइए, बताइएगा, देखिए 3 यहाँ पर प्लस हुआ है, कितना प्लस, देखिए 3 और 4 7 प्लस हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो रही है, क्योंकि माइनस माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे, इसलिए गलत हो, लेकिन आप एग्जाम हॉल में होते तो इसको भी चेक करना पड़ता, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट तो आप यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, तो इसको भी चेक करते, उसके बाद ये जैसे ही आपको ये भी सामान मिल जाता है, ठीक है, जैसे ही आप चेक करते, देखिए जे 10 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये होता है आपका 4 नंबर पर, और एक्स होता है 24 नंबर पर, देखिए यहाँ पर माइनस 5 हुआ, यहाँ पर ये एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पर माइनस 4 हुआ, यहाँ पर माइनस 3 हुआ है, जैसे ही आपको देखिए ए तीनों कॉमन मिले तो ये ऑटोमेटिक आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक, फिर आपको इसको चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, क्या बोला जा रहा है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें निम्न रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर संग्रह को पूरक कर सकें। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या है आर डबल आर है, ठीक है, फिर क्या है स्पेस है, फिर क्या है पी, फिर क्या है क्यू, फिर से डबल स्पेस, फिर क्या है एस, फिर से स्पेस, फिर क्यू और आर है, फिर स्पेस, फिर डबल आर और यहाँ पर एस, फिर इसको क्या करना है आपको नंबर आउट काउंट करना है, ठीक है, सबसे पहले नंबर गिनेंगे कितने नंबर पर हैं, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्या छोड़ दिया, देखिए पी फिर स्पेस डबल आर फिर से ठीक है डबल आर फिर पी क्यू फिर एस फिर से क्यू आर ए एस पी छोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये अपना गलत आ रहा था, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान से लिखना है, देखिए क्यू आर फिर एस पी अपन ने छोड़ दिया था, ठीक है, और ए आपका फिर है डबल आर एस, आप काउंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं, तो अब आपको यहाँ पर पता होगा 20 हैं तो या तो 4 के पेयर बनेंगे या 5 के पेयर बनेंगे, लेकिन यदि आप यहाँ से देखिए पीछे पी और यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर पी और पाँचवें नंबर पर यदि एस आ जाए तो ये सीरीज आपकी बन सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या एस है तो यहाँ पर क्या होगा डबल आर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा क्यूब, तो क्यू एस अपन को पहले चाहिए, तो क्यू एस चाहिए, तो केवल इसी में ये आपका गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इतने से आंसर आएगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो इतने से आपको आंसर देना है, ठीक है, यदि आपको सीरीज पूरी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिए ये आ गया फिर ये अपना डबल आर है, ठीक है, डबल यहाँ पर क्या आएगा पी आएगा, तो यहाँ पर अपन पी लिख दें, फिर आर के बाद यहाँ पर डबल आर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, लीजिए वही आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये आपको टाइम बचाने की मिनट्रिक बताइए किस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है। चलिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए, माइनस का अर्थ गुणा है,
और गुणा का अर्थ क्या है बताइएगा, भाग है, ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है प्लस है, भाग का जो अर्थ है प्लस है। क्वेश्चनों को इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब गलत कर पढ़ लेंगे तो इसमें आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं आएगा, फिर आप चेक करेंगे तो एक अच्छी शांति से आपको पढ़ के आंसर देना है। तो देखिए 121 है, फिर क्या है गुणा, तो गुणा का मतलब भाग है, तो यहाँ पर भाग करेंगे और 11 लिख देंगे, फिर है भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, प्लस कर देंगे अपन 28 लिखेंगे, फिर क्या है माइनस, माइनस करते गुणा, तो गुणा करेंगे 3, फिर है प्लस, प्लस करते माइनस है तो यानी 46, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना बचेगा 11। देखिए आपको पता है कि 11 इंटू 11 पता है 121 होता है, तो डायरेक्ट 11 लिखें प्लस 8, 3 8 24, ठीक है, 6 3 8 24, 2 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 3 8 24, 2 और 3 2 6 2 8, माइनस कितना हो जाएगा 46। अब इसको जोड़ सकते हैं तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9, और इसमें आपको कितना घटाना है 46 घटा दीजिए, इसको माने कितना जल्दी से बताइएगा 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा पीछे 9, यहाँ एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4, यानी 49, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी स्पीड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उतनी स्पीड में आपका सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए एल आपको पता है 12 नंबर पर होता है, एन आपको पता है 14 नंबर पर होता है, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, फिर आपका आर आपको पता है 18 पर होता है, टी आपको पता है 20 नंबर पर होता है। तो यहाँ से अपन इसकी सीरीज देखेंगे कि इसका क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए क्या हुआ, प्लस 2 हुआ है, और यहाँ पर भी देखें तो प्लस 2 हुआ, तो यहाँ पर जैसे आप प्लस 2 करते तो यहाँ पर कितना आता है 16 में प्लस 2 करते तो आपका आ जाता 18, तो मतलब 16 पर आपको पता है क्या होता है पी होता है, ठीक है, तो पी सभी में दिख रहा है, तो चलिए आंसर नहीं दे सकते, तो अब आते हैं डी पर, ठीक है, डी आपका होता है 4 नंबर पर, और जी होता है 7 नंबर पर, ये क्वेश्चन मार्क है, फिर एम होता है 13 नंबर पर, फिर पी होता है आपका 16, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ 3 प्लस हुआ, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर पता है 3, तो जैसे आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 पे क्या रहता है जी रहता है कि नहीं रहता, 16 और 10, तो मतलब पी जे आना चाहिए, इसमें पी जे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आपका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए बात को। ये आपको टाइम बचाने की ट्रिक में आपको पता चलता हूँ एग्जाम में आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए ये कागज़ को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खोले जाने पर कैसी दिखाई देगी, ठीक है, ये आपका पूरा व्रत था, फिर उन्होंने यहाँ से काटा, ठीक है, तो इतना पेपर बचा, फिर उन्होंने यहाँ से इसके ऊपर काटा, तो इसी प्रकार से मोड़ेगा, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये गुणा यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये आता है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, तो दो आपको वृत्त कैसे चाहिए, एक समान चाहिए, तो यहाँ पर गलत, यहाँ पर गलत, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत, तो केवल इसी में, तो वो ही अपना राइट आंसर हो जाए। देखिए सेकेंडों में आंसर आया कि नहीं आया बताइएगा, कोई टाइम नहीं लग रहा, आराम से आप टाइम मैनेज कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए तीसरा, कोई एक निश्चित कूट भाषा में कोच को इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है, व्रत को इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो आपको ट्रेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। चलिए COACH, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है XAOHC, तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा हो, क्या लॉजिक समझ में आ रहा हो, इसको इसको, ठीक है, इसको इसको, मतलब ये आपको पता है कि सिनेमा एक्सप्रेस ये आपका 27 पर होता है, ठीक है, तो इसको भी चेक करें क्या बताइए, क्योंकि ई और आर ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। देखिए क्योंकि आपको इसको चेक क्यों करना पड़ेगा, देखिए अभी आपको बता रहा हूँ BER TH, ये आपको लॉजिक एकदम समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, फिर क्या है W, फिर है R, फिर कितना है E, फिर आपका क्या है H, फिर है T, तो यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, क्या लॉजिक लगा है वही लॉजिक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, क्या, क्योंकि बी के अपोजिट क्या होता है जल्दी से बताइएगा, बाय, यानी बी के अपोजिट बाय आता है, यहाँ पर बाय नहीं है, तो यहाँ पर क्या अपोजिट नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, सी, यहाँ पर यदि माइनस कर दें तो कितना माइनस करें तो ए आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा कितना माइनस करने पर, सी के बाद देखिए सी है, सी के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है ए, ए के बाद क्या आता है जेड, जेड के बाद क्या आता है बाय, बाय के बाद क्या आता है जल्दी से बताइएगा एक्स, आता है कि नहीं आता, ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5 करने पर ए आ रहा, तो इसमें भी 5 करने पर ए आ रहा, इसमें भी 5 करने पर ए आ रहा, समझ के बात को, लॉजिक अब आपको समझ में आया होगा। तो अब ट्रेन, तो TRAIN, तो यहाँ पर क्या आएगा ए आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आई,
तो पीछे अपन आई देख लेंगे, तो जैसे ही आप आई देखेंगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन ए आर ओ माई गॉड, ठीक है, तो आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अपन दो तो विकल्प हटा दिए, यदि आपको 50-50 जल्दी में आंसर देना तो इन दोनों में से टिक कर सकते थे, 50% चांस है, ठीक है। यहाँ पर आपको 25% चांस रहता है, जैसे अपन दो ऑप्शन हटा दिए तो फिर 50-50 हो जाएगा, ठीक है, चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं सही होने के। तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कितना करेंगे बताइए, 5, जैसे आप 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 15 पर क्या आता है, ओ यानी ए आपका राइट आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अब जल्दी करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि ये टी है, टी में से जैसे आप 5 माइनस करेंगे तो 5 15, ठीक है, 15 यानी ओ पहले चाहिए, तो ओ इसमें था, ओ इसमें था, फिर भी आप बेच सकते थे, ठीक है, तो ये जल्दी नहीं हो रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, किसी का भी आंसर क्या गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। पी डबल फिर है ओ एन, फिर एक बार, ठीक है, फिर डैश है, फिर क्या है बी एल बी, फिर भी डैश, फिर क्या है एन पी एल, फिर से डैश ओ डैश पी एल, दो बार डैश, और यहाँ पर एन है, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अब आपको पता है क्या करना है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, नंबर को काउंट करना है स्पीड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं 20, तो फिर से देखिए 5 5 की पेयर बनेंगे, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा, तो पीछे ओ चाहिए, तो सभी में ओ है, चलिए पी एल मतलब यहाँ पर एल चाहिए, ठीक है, एल बी, तो यहाँ पर क्या चाहिए बी, तो एल भी अपना आना चाहिए, तो एल भी इसमें है, ये नहीं हो सकता, ये तीनों हो सकते, ठीक है, ये नहीं हो सकता, फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा पी, तो एल बी पी चाहिए, एल बी पी इसमें है, इसमें इसमें, चलिए सब में है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से, 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ओ, तो यहाँ पर चाहिए ओ, तो इसमें तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ए हट जाएगा, ओके बाद देखिए पी एल यहाँ पर क्या आएगा बी, तो यहाँ पर क्या आएगा बी, बी इसमें है, फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा एन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा एन, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल यहाँ पर आता बी, तो बी, ठीक है, और ए ओ, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन में ये तो आपको बताया है इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आप सेकंडों में आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्या बताना है, जो भेल का संबंध, इस भेल को क्या बोला जा रहा है, स्तनपाई, ठीक है, तो मक्षर को क्या बोला जाता है, सर्पीकृत, बिल्कुल आपको, यदि आपको थोड़ा साइंस चाहिए तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ये साइंस के ऊपर क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो वीडियो आप बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्या हुए रॉन्ग हुए, ठीक है। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है, ये तीनों करने में आपके कुछ भी पैसे नहीं कर सकते हैं, इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आए और आपको बना के रख दिया, ऐसा नहीं है, मेहनत लगती है, तो जल्दी से चैनल पर को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के शेयर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।